हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी हम DSSB TGT के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसमें जो नया अपडेटेड सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो राइटर मेंशन किए गए थे आरके नारायण, उन पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं। कल भी एक मैराथन अपलोड की है जिसमें 50 to 60 क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसमें डाले गए हैं वीडियो में। अब आज हम शुरू कर रहे हैं अनीता देसाई, बहुत ही इमिनेंट राइटर हैं और ये भी उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है सिलेबस में, इसलिए हम इनको आज पढ़ने वाले हैं। इनका एक वर्क है जिसको उसमें मेंशन भी किया गया है, वो है इन कस्टडी, ठीक है। तो उस वर्क को भी देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अनीता देसाई जी के विषय में, ठीक है। अनीता देसाई, इनका अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अनीता देसाई इज अ रिनाउंड इंडियन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। बेसिकली अगर इन्हें देखें तो इन्हें शॉर्ट स्टोरी के लिए ज़्यादा फेमस हैं ये, इन्हें शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है। शी वॉज बॉर्न ऑन 24 जून 1937, ठीक है। इनका जन्म कब होता है? 24 जून 1937 में होता है, इन मसूरी इंडिया, ओके। टू आ जर्मन मदर एंड एन इंडियन फादर, ये चीज़ नोट करने की है। इससे क्वेश्चन बन भी सकता है कि इनकी मदर कौन थी, वो जर्मन थी, ठीक है। इनके फादर इंडियन थे और उनकी मदर जो थी वो जर्मन थी। नेक्स्ट इज देसाईज राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर थीम ऑफ फैमिली रिलेशनशिप आइडेंटिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। इनके जो मोस्ट ऑफ द वर्क है ना, उनकी जो थीम रही है ज़्यादातर उन्होंने फैमिली पे, रिलेशनशिप पे, खुद की जो आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड अपने वर्क्स को लिखा है। एंड द ह्यूमन कंडीशन फ्रीक्वेंटली सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, जैसा कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के अनुसार चीज़ें चलती जा आ रही हैं उससे रिलेट करती हुई इनकी थीम रही है इनके वर्क्स की, ठीक है। उसमें किस तरीके से जो वेमेन राइट्स हैं उनको किस तरीके से दबाया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, उन सब चीज़ों को ये क्लैरिफाई करती हैं अपने वर्क्स में, ठीक है। अब इनके मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो हैं वो यहाँ पर गिवन हैं जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। आप देख सकते हो सम ऑफ हर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड क्राई द पिकॉक 1963 में आता है। इनका कभी कभी पब्लिश्ड ईयर भी, पब्लिकेशन ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो इन्हें। वॉइसेस इन द सिटी 1965 में आता है। वेयर शैल वी गो दिस समर 1975 में आता है। फायर ऑन द माउंटेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज फायर ऑन द माउंटेन, ये आता है 1977 में। और किस लिए ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 1978 में इनको इसी वर्क के लिए, अनीता देसाई जी को इसी वर्क के लिए क्या मिलता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, फायर ऑन द माउंटेन। नेक्स्ट देखते हैं क्लियर लाइट ऑफ डे, 1980 में आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड का इनका ईयर भी याद हो जाना चाहिए, 1978 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट है इन कस्टडी, जो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। इन कस्टडी इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, 1984 में ये पब्लिश होता है। नेक्स्ट इज बॉम गार्डनर्स बॉम्बे, 1988 में आता है। नेक्स्ट है जर्नी टू इथाका, 1995 में ये वर्क आता है। नेक्स्ट इज फास्टिंग फीस्टिंग, दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1999 में ये वर्क पब्लिश होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इनके कुछ इम्पॉर्टेंट इमिनेंट अवार्ड्स हैं जो इन्हें मिले हैं, तो उन अवार्ड्स के बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम देखेंगे यहाँ पर। देसाई हैज़ रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर हर राइटिंग, देखिए कौन कौन से अवार्ड उन्हें अपनी राइटिंग्स के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले जो हमने अभी डिस्कस किया, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस अवार्ड के बारे में। जब हमने ये सीरीज शुरू की थी तो उसके फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे शुरुआत हुई और कितनी भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो 22+2
ठीक है। और ये प्लस टू में क्या है, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है और राजस्थानी लैंग्वेज आती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए चीजें कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पहला इंडियन राइटर कौन था जिसको ये अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 1960 में आर के नारायण को पहला अवार्ड मिलता है, ठीक है, आर के नारायण जी। और आर के नारायण को किस वर्क के लिए मिलता है, तो वो वर्क भी ध्यान रखना है, उस वर्क का नाम है द गाइड। ओके, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड अनिता देसाई जी को कब मिलता है, 1978 में मिलता है। नेक्स्ट है पद्मश्री, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। पद्मश्री जो मिलता है वो 1990 में मिलता है, देन पद्म भूषण 2014 में मिलता है, इनके एमिनेंट वर्क को देखते हुए, ठीक है। कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज, ये भी इनका एक बहुत ही फेमस अवार्ड है जो इन्हें मिला, 1983 में मिलता है। डीएच लॉरेंस लिटरेरी अवार्ड 1999 में। ओके, तो ये सारे अवार्ड्स ध्यान रखने, इनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट ऊपर के तीनों, पद्मश्री, पद्मभूषण और साहित्य अकेडमी, इनके ईयर भी आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ साहित्य अकेडमी अवार्ड इनके कौन से वर्क के लिए इन्हें दिया गया है वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनका कौन सा वर्क है, वो अनिता देसाई का अभी हमने डिस्कस किया था, यस, फायर ऑन द माउंटेन, जो आता है 1977 में। ओके, अब इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली ये है, जो यहाँ पर मेंशनड है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है, क्या है, देखिए, शी हैज आल्सो बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 3 times, इन्हें 3 बार बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। एंड हैज टॉट क्रिएटिव राइटिंग एट वेरियस यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग MIT, हार्वर्ड एंड इन यूनिवर्सिटीज से इन्होंने क्या किया, क्रिएटिव राइटिंग्स के बहुत सारे चीजें सीखी, ठीक है। देसाई राइटिंग इज नॉन फॉर इट्स लिरिसिज्म, न्यूआंसेस एंड इनसाइट इनटू द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मतलब इनकी जो थीम्स है ना वर्क की, जैसे हमने देखा रिलेशनशिप पे बेस्ड है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ऑफ अ पर्सन, तो उस उन एक्सपीरियंसेस को इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया अपने वर्क्स में, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि इन्हें 3 बार बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन इन्हें कभी भी बुकर प्राइज नहीं मिला है। तो कभी कभी भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनिता देसाई जी को बुकर प्राइज मिला है या नहीं मिला है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इन्हें नॉमिनेट तो किया गया लेकिन इन्हें बुकर प्राइज नहीं मिला, ठीक है। तो ये सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन था अनिता देसाई जी का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इनकी मदर जिनको हम कह रहे हैं कि जर्मन थी, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। इनकी मदर का नाम क्या था, ठीक है, मदर और फादर का नेम भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, चलिए यही नोट डाउन करते हैं। देखिए, इनकी मदर का नाम जो था वो था टोनी नाइम, ठीक है, टोनी नाइम इनकी मदर थी टोनी नाइम। ओके, ये जर्मन थी, ठीक है, इनकी नेशनैलिटी जो थी वो जर्मन थी। और इनके फादर का नेम क्या था, डीएन मजूमदार। ओके, डीएन मजूमदार, ध्यान रखना है, ठीक। एक चीज और मिस हुई यहां पर, क्या, कि ये एक चीज के लिए और फेमस है, किस चीज के लिए, कि इनकी डॉटर जो है, ठीक है, उनके लिए भी इन्हें बहुत जाना जाता है। इनकी डॉटर है किरण देसाई, ठीक है, वो भी बहुत फेमस राइटर रही हैं, उनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे अगर सिलेबस में मेंशन होगा तो किरण देसाई की ही ये मदर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुक वगैरह हमने कर ली, इनके बारे में हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लिया, अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। तो MCQs पे चलते हैं, देखिए अवार्ड ध्यान रखने हैं आपको। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज अनिता देसाई बॉर्न। तो अभी हमने देखा, आप अगर आपने ध्यान से पहली चीजें पढ़ी हैं तो आप बता दोगे अनिता देसाई का जन्म कहाँ होता है, तो साथ ही साथ आप ईयर भी याद करते हुए चलो, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, मसूरी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ईयर और डेट ध्यान रखनी है, 24th of June 1937, ठीक है, इनका ईयर, डेट ऑफ ईयर है, ठीक है, बर्थ ऑफ ईयर। नेक्स्ट इज, What is the title of Anita Desai's first novel published in 1963?
तो आपको ध्यान रखना है अनीता देसाई के फर्स्ट नॉवल के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, जो पब्लिश होता है 1963 में। क्या नाम था उसका? क्राई द पिकॉक, वॉइसेस इन द सिटी, वेयर शैल बी गो दिस समर, फायर ऑन द माउंटेन। तो इसका तो पब्लिकेशन ईयर आपको पता ही है, हमने अभी डिस्कस किया था। इनफैक्ट ये इसके बारे में भी 1963 में कौन सा वर्क आता है, सबसे पहला नॉवल था इनका, उसका नाम होता है क्राई द पिकॉक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्राई द पिकॉक। नेक्स्ट इज, विच अवार्ड डिड अनीता देसाई रिसीव इन 1978 फॉर हर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और अब आपको लर्न भी हो गया होगा, इतनी बार रेपिटेशन हुई है इस चीज की कि आपको साथ के साथ इसी वीडियो में लर्न भी हो गया होगा। तो राइट आंसर है 1978 में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिलता है। कौन से वर्क के लिए मिलता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिलता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर वॉज अनीता देसाई शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज फॉर हर नॉवल इन कस्टडी। तो इनका एक नॉवल है इन कस्टडी, जिसको हम डिटेल में भी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इन कस्टडी की समरी और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन प्लस इसके एमसीक्यूज उस पर हम ये वीडियो करेंगे नेक्स्ट वाली। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक नॉवल है और इसके लिए अनीता देसाई को शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए, हालांकि इन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया है, तो उनमें से एक ये भी था, इन कस्टडी के लिए इन्हें बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। कौन से ईयर में किया गया ये ध्यान बताना है आपको, 1980, 1983, 1984 या 1985, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज 1984। ठीक है, 1984 में इनको नॉमिनेट किया जाता है इनके वर्क इन कस्टडी के लिए। ठीक है, बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ अनीता देसाई नॉवल दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिस्टर्स? बताइए, यहां पे अनीता देसाई के अब नॉवल शुरू हो गए हैं और उन्हीं से ये क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अनीता देसाई का वो कौन सा नॉवल है जो रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है, रिलेशनशिप दो सिस्टर्स के रिलेशनशिप को बताता है। क्लियर लाइट ऑफ डे, वेयर शैल वी गो दिस समर, फायर ऑन द माउंटेन या फिर बॉम गार्डनर्स बॉम्बे? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज क्लियर लाइट ऑफ डे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर लाइट ऑफ डे। मूविंग टू द नेक्स्ट, वॉट इज अनीता देसाई मदर्स नेशनैलिटी? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अनीता देसाई की मदर की नेशनैलिटी क्या है, वो इंडियन नहीं है, वो कौन है? शी इज जर्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेम भी रिकॉल करते हैं, नेम क्या है अनीता देसाई जी की मदर का? नेम है टॉनी नाइम। ठीक है, क्या नेम है? टॉनी नाइम। Moving to the next. Next is, which university did Anita Desai attend? तो इनकी जो कह सकते हैं आफ्टर स्कूलिंग इनकी जो ग्रेजुएशन वगैरह हुई है, तो कॉलेज लाइफ कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड? हालांकि इन्होंने बाद में हार्वर्ड से जो वो क्रिएटिव राइटिंग्स थी वो सारी चीजें भी सीखी थी, लेकिन शुरुआत में ये रिलेटेड थी कौन सी यूनिवर्सिटी से? यस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मूविंग टू द नेक्स्ट, वेट अ मिनट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, What is the title of Anita Desai's novel that explores the life of a German-born businessman in India? बताइए, Anita Desai का वो कौन सा novel है जिसकी थीम क्या है, जिसकी एक तरीके से कहें जो स्टोरी किस पर बेस्ड है? द लाइफ ऑफ अ जर्मन बॉर्न बिजनेसमैन इन इंडिया। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका जन्म तो जर्मन में हुआ है लेकिन उसकी लाइफ जो कट रही है वो इंडिया में कट रही है, और किस तरीके को, मतलब कौन सा नॉवल है, नाम क्या है उस नॉवल का, ये पूछा गया है यहाँ पर।
ऑप्शन है बॉम गार्टनर्स बॉम्बे, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे, वेयर शैल वी गो दिस समर. यस द करेक्ट आंसर इज बॉम गार्टनर्स बॉम्बे. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज अनिता देसाई अवॉर्डेड द पद्म भूषण. तो हमने डिस्कस किया था पद्मश्री के बारे में, पद्म भूषण के बारे में, कौन से ईयर में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है. 1990, 2000, 2010, 2014. Yes, the right answer is 2014. Option number D is the correct answer. Moving to the next. Next is, which literary award did Anita Desai receive in 1999 for her novel Fasting Feasting? ये भी ध्यान रखना है कि कौन से नॉवल के लिए मिला है. Fasting Feasting के लिए मिला है, 1999 में मिलता है, कौन सा अवार्ड है. तो हमने डिस्कस किए थे सारे अवार्ड, बताइए. D.H. Lawrence Literary Award, Commonwealth Writers Prize, साहित्य अकेडमी अवार्ड या बुकर प्राइज. तो आप एक तो कैंसिल आउट यहाँ से करी दोगे, बुकर प्राइज इन्हें नहीं मिला है. बाकी तीन अवार्ड इन्हें मिले हैं, लेकिन अब हमें ईयर के अकॉर्डिंग देखना है और नॉवल के अकॉर्डिंग देखना है कि वो कौन सा अवार्ड है जो इन्हें फास्टिंग फीस्टिंग के लिए मिलता है और 1999 में मिलता है. यस, राइट आंसर क्या होगा यहां पर. D.H. Lawrence लिटरेरी अवार्ड. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. D.H. Lawrence लिटरेरी अवार्ड वॉज गिवन फॉर फास्टिंग फीस्टिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज What is the title of Anita Desai's collection of short stories published in 1989? तो इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आता है अनिता देसाई जी का, 1989 में आता है. और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसका एक टाइटल होता है वो क्या है. गेम्स ऑफ ट्विलाइट, डायमंड डस्ट, द ब्लेज बाय द सी, द पिकॉक गार्डन. यस, वट शुड बी द करेक्ट आंसर. राइट आंसर इज गेम्स ऑफ ट्विलाइट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. गेम्स ऑफ ट्विलाइट ये वर्क होता है, 1989 में ही पब्लिश होता है. ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ध्यान रखना. जैसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि तीन नॉवल के नाम दे दिए और एक इसका नाम दे दिया, और पूछ लिया गया कि अनिता देसाई का कौन सा ऐसा वर्क है जो नॉवल नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है. तो आपको इसकी इसका जॉनर भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसका पब्लिकेशन ईयर भी ध्यान में रखना है. तो गेम्स ऑफ ट्विलाइट, ठीक है, गेम्स, हम डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो. तो ये शॉर्ट स्टोरीज का, बहुत सारी इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिसका एक कलेक्शन है जिसका नाम है गेम्स ऑफ ट्विलाइट. ये पब्लिश होता है 1989 में. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ अनिता देसाई नॉवल इज सेट इन द स्मॉल टाउन इन राजस्थान. तो इनमें से वो अनिता देसाई का कौन सा नॉवल है जो इसकी जिसकी जो सेटिंग है, ठीक है, वो कौन से प्लेस पर है, राजस्थान के एक स्मॉल टाउन में है. ऑप्शन है फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे, वेयर शैल वी गो दिस समर, या फिर द ब्लेज बाय द सी. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. द राइट आंसर इज फायर ऑन द माउंटेन. इंपॉर्टेंट वर्क है, पब्लिकेशन ईयर भी आपको याद हो गया होगा 1977, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1978 में. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. अब यहाँ से आपको इसकी सेटिंग भी याद हो जानी चाहिए कि इसकी सेटिंग कहाँ की है. एक स्मॉल टाउन की है जो राजस्थान में है. ठीक है, फायर ऑन द माउंटेन. नेक्स्ट इज अनिता देसाई नॉवल इन कस्टडी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम. अब बताना है यहाँ पर कि इन कस्टडी जो नॉवल है ना अनिता देसाई का, उसकी थीम क्या है. हालांकि इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जैसा कि मैंने बोल ही दिया है आपको. अब यहाँ पे बताइए इसकी थीम क्या है. लव एंड रिलेशनशिप, फैमिली एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड कल्चर, या फिर पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री. व्हाट इज द थीम. यस, इसकी थीम है लैंग्वेज एंड कल्चर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लैंग्वेज एंड कल्चर. अब यहां से एक चीज और, अभी हमने रिपीट ही कर रही हूं मैं, अभी हमने पहले बात की इन कस्टडी, इसके लिए इन्हें
बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, इसी वर्क के लिए, ध्यान रखना है, लैंग्वेज एंड कल्चर इसकी थीम है. नेक्स्ट इज विच यूनिवर्सिटी हैज अनीता देसाई टॉट क्रिएटिव राइटिंग एट, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. अनीता देसाई ने जो क्रिएटिव राइटिंग सीखी थी या फिर एक सिखाई थी, टॉट आई थिंक सिखाई थी, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग, तो कहाँ पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली या फिर बोथ ए एंड बी, ठीक है. हाँ, मुझे मेरा ध्यान नहीं रहा, टॉट मतलब इन्होंने सिखाई थी, वहां पर टीच किया था, ठीक है. यस, क्या होगा राइट आंसर, तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कौन सी यूनिवर्सिटी में सिखाई थी इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है. और साथ ही साथ इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको MIT भी ध्यान रखना है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT और हार्वर्ड, इन दोनों में ही इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग सिखाई थी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज What is the title of Anita Desai's novel that explored the complexities of mother-daughter relationship? यहाँ पे बताना है कि अनीता देसाई का वो कौन सा नॉवल है जिसमें, मतलब जो थीम है ना वो किस पर बेस्ड है, एक मदर और डॉटर के का जो के जो रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उस पर बेस्ड है. ऑप्शन है क्लियर लाइटा डे, वेयर शैल बी गो दिस समर, फायर ऑन द माउंटेन या फिर फास्टिंग फीस्टिंग. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां पे जो बात की जा रही है ना, ये जो स्टोरी लाइन है वो कौन से नॉवल की है इनके, तो वो है फास्टिंग फीस्टिंग की, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फास्टिंग फीस्टिंग. नेक्स्ट इज What is the name of Anita Desai's daughter who is also a writer? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, Anita Desai की वो daughter कौन है जो जो खुद भी एक writer हैं? किरण देसाई, तनुजा देसाई, प्रिया देसाई, नलिनी देसाई. तो नाम ध्यान रखना है किरण देसाई, ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, शी इज द daughter ऑफ अनिता देसाई. मूविंग टू द नेक्स्ट, Which of Anita Desai's novel won the Booker Prize in 2006? देखिए, ये क्वेश्चन ही गलत है एक तरीके से, क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इन्हें बुकर प्राइज जो है ना उसके लिए नॉमिनेट तो किया गया था, लेकिन इन्हें कभी बुकर प्राइज नहीं मिला, ठीक है. ऑल दो इनकी जो डॉटर थी, ठीक है, किरण देसाई, उन्होंने इनके लिए ये बॉन किया था, ठीक है, उन्हें मिला था ये अवार्ड. कौन से वर्क के लिए मिला था, तो ये ध्यान रखना है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, किरण देसाई को मिला है, नॉट अनीता देसाई, ठीक है, ध्यान रखना है. मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ अनीता देसाईज मेमोर पब्लिश्ड इन 2021? तो यहाँ पर बताना है कि अनीता देसाई का जो उन्होंने एक मेमोर लिखा है उसका टाइटल क्या है जो 2021 में पब्लिश हुआ है. अ लाइफ इन राइटिंग, माय लाइफ एंड टाइम्स, द वर्ल्ड ऑफ अनीता देसाई या फिर जर्नी ऑफ अ राइटर. मेमोर क्या होता है ये भी ध्यान रखना है. मेमोर क्या है, एक टाइप के मतलब हम मेमोरी को बोल सकते हैं, या फिर हम अपनी जो पुरानी यादें हैं उनके बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो वो एक तरीके से मेमोर है. राइट आंसर इज अ लाइफ इन राइटिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अ लाइफ इन राइटिंग. नेक्स्ट इज विच लिटरेरी फेस्टिवल हैज अनीता देसाई बीन अ पार्ट ऑफ एज अ गेस्ट स्पीकर. बताइए वो कौन सा लिटरेरी फेस्टिवल था जिसमें अनीता देसाई एक मेहमान जो होता एक स्पीकर के रूप में एक गेस्ट के रूप में गई थी. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, हेई फेस्टिवल, एडिनबर्ग इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल या फिर ऑल ऑफ द अबव. गेस्ट स्पीकर के रूप में ये जाती हैं.
कौन सा लिटरेरी फेस्टिवल है वो? तो यहाँ पर सारे ही हैं, ठीक है। इन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी अटेंड किया, हे फेस्टिवल भी अटेंड किया और एडिनबर्ग इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल भी अटेंड किया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेस्टीजियस अवार्ड अनीता देसाई रिसीव्ड इन 2018 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर? बताइए वो प्रेस्टीजियस अवार्ड कौन सा है जो इन्हें 2018 में मिलता है अनीता देसाई को, और अपने कंट्रीब्यूशन के लिए लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया जाता है। अभी हमने बहुत सारे अवार्ड पढ़े थे, उनमें इसका नाम नहीं था, अब यहाँ पे आपको एक और अवार्ड लर्न हो जाएगा। ऑप्शन है डैन डेविड प्राइज, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, गोथ प्राइज या फिर बेंसन मेडल। Yes, what should be the correct answer? Right answer है यहाँ पर Dan David Prize, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, Dan David Prize इनको मिलता है 2018 में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, लिटरेचर के क्षेत्र में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट इज, वॉट इज अनिता देसाई नॉवल इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क? बताइए इसमें से अनीता देसाई का वो कौन सा नॉवल है जिसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बोला जाता है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब उसमें ना अनीता देसाई जी ने अपनी लाइफ के विषय में कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको उन्होंने इंक्लूड किया है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। पूरी तरह से कंप्लीटली उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनको उन्होंने इंक्लूड किया है, इसलिए इसे कहा जाएगा सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। ऑप्शन है क्लियर लाइट ऑफ डे, Where shall we go this summer? Fire on the mountain या फिर journey to Ithaca? Yes, क्या हो सकता है right answer? यहां पर जो right answer है वो है clear light of day. Option number A is the correct answer, clear light of day. इसकी theme भी आपने अभी हमने पीछे discuss की थी। नेक्स्ट इज, अनीता देसाई राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो अगर हम कुछ शब्दों में अनीता देसाई के राइटिंग स्टाइल को डिस्क्राइब करें तो हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन है सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स एंड पोएटिक लैंग्वेज, ह्यूमरस एंड सैटरिकल टोन या फिर फिलोसफिकल एंड इंट्रोस्पेक्टिव टोन। कैसा राइटिंग स्टाइल है अनीता देसाई जी का? यस, करेक्ट आंसर इज फिलोसॉफिकल एंड इंट्रोस्पेक्टिव टोन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन थीम इन अनीता देसाई वर्क्स? तो इनमें से कौन सी वो कॉमन थीम है जो ज्यादातर वर्क्स की रही है अनीता देसाई जी के? लव एंड रोमांस, फैमिली एंड रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग या फिर सोशल जस्टिस एंड एक्टिविज्म। यस, मेन थीम क्या रही है इनके वर्क्स की? जैसे कि हमने इनका राइटिंग स्टाइल देखा, कैसा है इनका राइटिंग स्टाइल? फिलोसफिकल है, बहुत ज्यादा मतलब थॉट प्रोसेसिंग है उसमें, या फिर इंट्रोस्पेक्टिव टोन में लिखे गए वर्क है, ठीक है। अब यहां पे एक कॉमन थीम क्या होगी इनके वर्क्स की? यस, राइट आंसर है यहां पर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। नेक्स्ट इज, अनीता देसाई हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स? तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है इनमें सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थी अनीता देसाई जी? थी या है, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ से, जेन ऑस्टिन से, जॉर्ज इलियट से या फिर आर के नारायण से, किससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी? यस, वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है ये। नेक्स्ट इज, विच ऑफ अनीता देसाई नॉवल वॉन द
कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज इन 1983। तो हमने प्राइज के बारे में तो पढ़ा था, 1983 में ये अवार्ड मिलता है कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज, लेकिन कौन से वर्क के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है क्लियर लाइट ऑफ डे, फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी या फिर जर्नी टू इथाका। यस, वो पर्टिकुलर वर्क कौन सा है जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिलता है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1983 में? यस, वो पर्टिकुलर वर्क है इन कस्टडी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के लिए फिर इन्हें बाद में बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज What is the title of Anita Desai's novel that explored the life of a young girl growing up in India? तो यहाँ पर उस novel का title पूछा जा रहा है जो किस पर based है, वो एक story line पर based है जिसमें क्या होता है, इसमें the life of a young girl growing up in India, एक young girl की पूरी life के बारे में discuss किया गया है जो बड़ी हो रही है India में। The blaze by the sea, clear light of day, फायर ऑन द माउंटेन, गेम्स एट ट्विलाइट। तो ये ध्यान रखना है ऑप्शन, ठीक है, एक तरीके से मैं रिपीट कर रही हूँ। गेम्स ऑफ ट्विलाइट ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ठीक है, बाकी ये नॉवल है, लेकिन ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, और यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है नॉवल, ठीक, तो इससे आप इसे एलिमिनेट कर दोगे। अभी तीन ऑप्शन बचते हैं, अब इसमें कौन से वर्क में ये स्टोरी है, अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन इंडिया? यस, करेक्ट आंसर है द ब्लेज बाय द सी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द ब्लेज बाय द सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ अनीता देसाई नॉवल इज सेट इन द सिटी ऑफ बॉम्बे, नाउ मुंबई। तो कौन सा वो नॉवल है जिसका जिसकी जो सेटिंग है वो कहाँ की है, बॉम्बे की। तो ये तो आप सीधा सीधा नेम देखोगे और इजीली इसका आंसर कर लोगे, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, बॉम गार्टनर्स बॉम्बे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अनीता देसाई हस्बैंड, अनीता देसाई के हस्बैंड का नाम क्या होता है? अश्विन देसाई, किरण देसाई, नलिनी, हस्बैंड पूछा जा रहा है, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको पता चली गया है, अश्विन देसाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड अनीता देसाई बिकम अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, कौन से ईयर में अनीता देसाई एक फेलो बन जाती हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की? उस पर्टिकुलर ईयर को पूछा गया है यहाँ पर, 2005, 2010 या फिर 2015, 2020? यस, 2005, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ अनीता देसाई नॉवल एक्सप्लोर द थीम ऑफ ओल्ड एज एंड लॉनलीनेस। अब यहाँ पे बताना है कि अनीता देसाई का वो कौन सा नॉवल है जिसकी थीम क्या है, ओल्ड एज एंड लॉनलीनेस। फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे, वेयर शैल वी गो दिस समर या फिर बॉम गार्टनर्स बॉम्बे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लॉनलीनेस है, ओल्ड एज है, ये जो थीम है ना वो है फायर ऑन द माउंटेन की, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। कल हम क्या करने वाले हैं, तो कल हम इन कस्टडी जो इनका फेमस वर्क है और मेंशन किया गया स्पेशली, तो इन कस्टडी की जो समरी है वो रहेगी और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।